राघव ने खुद से ही कहा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब गीता अग्रवाल और रमन खुराना की मिलीभगत हो, ताकि ये दोनों मुझे झूठे केस में फंसाकर स्नेहा को डिवोर्स देने के लिए आसानी से मजबूर कर दें। अब राघव ने सोचते हुए खुद से आगे कहा। अच्छा, तो अब मैं समझा कि ये गीता अग्रवाल यहाँ मेरी क्लिनिक पर आई क्यों थी। हो ना हो यही देखने आई थी कि उनका प्लान सक्सेस हो रहा है या नहीं। राघव ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो क्लिनिक के गेट पर इंस्पेक्टर साक्षी चौधरी खड़ी थी। साक्षी राघव की तरफ बढ़ती हुई आई और राघव से बेहद कड़े अंदाज में कहने लगी। राघव, तुम्हारे खिलाफ हमें एक कंप्लेंट मिली है। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? मैं कुछ समझा नहीं, राघव ने कहा। इस पर साक्षी ने कहा, आज सुबह किसी ने गलत दवा देने की वजह से तुम्हारे अगेंस्ट FIR कर दी है। तुम तो जानते ही हो कि गलत दवाई देने से किसी की जान पर भी बना सकती है, और ऐसे मामलों को लेकर कानून कितना सख्त है, इसलिए हमें फौरन तुम्हें अरेस्ट करना होगा, राघव ने साक्षी को सफाई देते हुए कहा। साक्षी जी, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी और शायद ये FIR भी उसी ने कराई होगी, साक्षी ने राघव से साफ शब्दों में कहा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा, और तुम्हें जो भी सफाई देनी है वो कोर्ट के सामने देना। इतने में पुलिस स्टेशन आ गया और राघव को किसी आम कैदी की तरह हवालात में बंद कर दिया गया। साक्षी अपनी जगह पर बैठी ही थी कि इतने में एक हवलदार साक्षी के पास एक लेटर लेकर आया। जैसे ही साक्षी ने लेटर खोला, उस लेटर को पढ़कर वो एकदम से सकते में आ गई। ये लेटर कोर्ट की तरफ से आया हुआ था, जिसमें साफ साफ शब्दों में राघव को जमानत देने की बात लिखी थी। कोर्ट का लेटर पढ़कर साक्षी को मन ही मन खुशी हुई, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। साक्षी फौरन राघव के लॉकअप के पास गई और उसका लॉकअप खुलवाया और बोली, राघव, अब तुम जा सकते हो क्योंकि किसी ने तुम्हारी जमानत करा दी है। ये सुनकर राघव ने पूछा, मेरी जमानत किसने करा दी? क्या मेरे पापा आए थे? इस पर साक्षी ने कहा, ये तो पता नहीं चला, बस तुम्हारी जमानत के कागज आ गए थे इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं। राघव ये सुनकर खुद से बोला, इतनी जल्दी मेरी जमानत भी हो गई, लेकिन मेरी जमानत कराई किसने? कहीं पापा ने तो नहीं कराई, या फिर ये जमानत स्नेहा ने करवाई हो। लेकिन जैसे ही राघव बाहर आया, उसने उस शख्स को देखा जिसने उसकी बेल करवाई थी। सोनल मेहरा अपनी कार लेकर जेल के बाहर राघव का इंतजार कर रही थी। सोनल ने ही राघव की बेल कराई थी। राघव ने जैसे ही सोनल को देखा, उसके मुंह से इतना ही निकला, सोनल तुम? फिर राघव और सोनल दोनों ही कार में बैठकर सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर चल दिए। सेंट्रल हॉस्पिटल में हर दिन के मुकाबले आज काफी भीड़ लगी हुई थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जनरल वार्ड में अलग चीख पुकार मची हुई थी। कुल 7-8 मरीज थे जो खून की उल्टियां कर रहे थे। राघव फौरन उनके पास गया और उन सभी को एक एक दवा देने लगा। जैसे ही राघव ने दवा दी, वहां मरीज के साथ आए लोग उस पर भड़क कर कहने लगे, तुम यहां भी आ गए? तुम्हारी वजह से ही हमारे परिवार के लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है तो प्लीज यहां से चले जाओ। इसी बीच हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया था। नौबत हाथापाई तक आ गई थी। इस बीच एक तेज आवाज गूंजी, एनफ, बस अब बहुत हो गया। उस आदमी की गरज भरी आवाज सुनकर पूरे वार्ड में सन्नाटा पसर गया। राघव ने जैसे ही उस आदमी की तरफ नजर डाली, उस आदमी को देख राघव एकदम से हैरान हो गया। आखिर कौन था वो आदमी जिसकी एक आवाज से वार्ड में खामोशी छा गई? क्या राघव उन मरीजों को ठीक कर पाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।